डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं इन तूफानों की वजह से दादरा नगर हवेली में किन किन चीजों की क्षतिग्रस्त हुई है और आज की क्या है हालात। देखिए, हमने आपको ये संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के अलग अलग विस्तार से या तस्वीरों को हमने आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पत्रे उड़ गए हैं, कई जगह पे जो है झाड़ जो है गाछ गिर गए हैं रोड पर, और जो है आप देख सकते हैं ये जो तूफान जो आई 17 तारीख की नाइट में, ये उससे ये नुकसान जो क्षतिग्रस्त हुई है वो हमने आपको भी दिखा रहे हैं। हालांकि अभी भी तूफान कोई ज़्यादा तेज गति नहीं है, लेकिन अभी भी धीरे धीरे हवा चल रही है और बारिश हो रही है। हालांकि अभी तक इन तूफानों की वजह से संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में कुछ ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की खबर नहीं है। अभी भी हवा चल रही है और हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। अभी आज सुबह से कुछ दुकानें जो है धीरे धीरे सिलवासा संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में खुल रही है। आप देख सकते हैं, आपको हमने सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, दुकान कुछ खुली है लेकिन अभी भी जो है लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि अभी भी हवा चल रही है और बारिश हो रही है, और इसके वजह से अभी भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम भी डीएनएच न्यूज लाइन के दर्शकों से यही अपील करेंगे कि अभी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाती है तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। बिना जरूरी काम के तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। आगे के हालात जानने के लिए और संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीप और आसपास के सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप अगर अभी तक डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको दादरा नगर हवेली एवं आसपास के सभी खबरों से हमने सबसे पहले आपको रूबरू करवाता रहूं।